हो रही है जिसमें रशिया एंड यूक्रेन दोनों आपस में टैंक के थ्रू वॉर कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सारे कलर्स ले हैं टैंक को कलर करने के लिए। सबसे पहले हमने ग्रीन कलर लिया है। देन हमने टैंक के रॉड को, मतलब पाइप को, जिसमें से गोला मतलब कि बॉम्ब निकलता है, उसको हमने ब्राउन कलर से किया है। एंड बाकी टैंक में हमने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, टील ग्रीन, ये सारे कलर्स यूज किए हैं। ब्लैक कलर, ग्रे कलर। टैंक ना बच्चों बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि टैंक को बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लोहे से बनाई जाती है, जिसपे टैंक पे बम का भी असर नहीं हो पाता है। इसलिए टैंक वॉर के समय लोग ज्यादा यूज करते हैं सेफ रहने के लिए। पहले तो लोग, जब राजा लोग हुआ करते थे, किंग लोग, वो लोग अपने किंगडम को सेफ करने के लिए भी तोपों का यूज किया करते थे। देन हमें टैंक के सेकंड वाले पार्ट में भी ग्रीन कलर फिल कर देना है। देन हमें टैंक के रोलर को कलर करना है। सबसे पहले हमें ऊपर वाले पार्ट में ब्लैक कलर करेंगे एंड रोलर वाले स्केटर को हमने ब्लैक कलर से ही करना है। बच्चों आप लोग वीडियो देखते हो बस फॉलो नहीं करते, मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करो एंड मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, ताकि मैं हैप्पी हो जाऊं और मैं भी ये वाला वॉर जीत पाऊं, जैसे टैंक से बाकी लोग वॉर जीत जाते हैं। लेकिन अभी तक यूक्रेन एंड रशिया ने कोई भी वॉर नहीं जीता है, ना यूक्रेन जीता है ना ही रशिया जीता है। वो लोग भी अपने वॉर में टैंक का यूज करते हैं।